हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना ग्रोवर्स व्लॉग्स। तो गाइस, आज मैंने बनाई है बहुत ही हेल्दी टेस्टी चटपटी मसालेदार मिसल पाव, जो कि महाराष्ट्र की बहुत ही स्पेशल डिश है और इसे बहुत ही इजीली बनाया जा सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ मिलकर खाया जाए और मिलकर बनाया जाए। बहुत ही इजी है गाइस, और अगर आप मिर्च मसाले बहुत तेज़ खाते हैं ना, तो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। और अगर कम भी खाते हैं तो खट्टा खट्टा सा टेस्ट और बहुत ही चटपटा सा मज़ा आ जाएगा, बिलीव मी गाइस। और आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तो आप मेरे साथ बनाइए, मिलकर बनाएंगे और मिलकर खाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मेरी 1 बॉल के बराबर स्प्राउट्स हैं, जिन्हें मैंने रेडी किया है घर पर ही, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी। और अब मैंने कुकर में डाल दिया है इसमें पानी डाल करके, और इसमें मैंने थोड़ा नमक डाला है। और अब मैं इसे एक विसल दिलवा लूँगी। एक विसल आते ही इसको खोल देंगे, प्रेशर खुद निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये घुल जाएंगे। और ये देखिए, मैंने प्रेशर निकाल दिया है और कुकर को फ़ौरन से खोल दिया है। बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। अब हम 2 प्याज और 4-5 टमाटोज ले लेंगे। गार्लिक जिंजर का पेस्ट लिया है मैंने, और प्याज टमाटर वगैरह को कट कर लेंगे। और इस तरह से अब कढ़ाई में घी ले लिया है मैंने, ऑयल घी, देसी घी, आप कुछ भी ले सकते हैं। और ये हींग डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ी, तो हींग के क्रैकल होते ही इसमें हम जीरा डाल देंगे थोड़ा सा। और ये अनियन है, अनियन को भी थोड़ा सा पका लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और इसमें और ज़्यादा टेस्ट लाने के लिए गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल देंगे। ये आप घर में भी बना सकते हैं या रेडीमेड कुछ भी, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और अब हम इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। अब इसमें मिर्च मसाले जो भी डालने हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, लगभग 1.5 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी डाली है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। और सब्ज़ी मसाला मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। सब्ज़ी मसाला की जगह पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, इसमें टेस्ट थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है। अब मैं टमाटोज जो मैंने काट करके रखे हैं वो मैंने डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी डाला है जिससे कि ये टमाटोज जो हैं जल्दी से नरम हो जाएँ और जो भी हमने इसमें मसाले डाले हैं वो भी अच्छे ढंग से मिक्स हो जाएँ। तो इस तरह से इसे थोड़ा सा पका लेंगे, 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाता है मसाला। अब ये मसाला रेडी है, तो मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, हरा धनिया। और अब मैं स्प्राउट्स डाल रही हूँ, लगभग 3 स्पून जो मेरे हाथ में है यही वाले डालूँगी। ये 6 से 7 लोगों के लिए इनफ रहते हैं। और अगर आप अच्छी क्वांटिटी में लेते हैं सब्ज़ी, तो बस आप 4 लोगों के लिए समझ लीजिए। और ये जो पानी था स्प्राउट्स का, वो भी मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा सोते किया है इसको। और फिर मैं इसे कवर करके रख दूँगी। 1 मिनट के बाद जब इसे दोबारा खोलेंगे तो देखेंगे कि बहुत अच्छे ढंग से मिक्स हो गए हैं मसाले में। तो अब हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी मिलाएंगे, बट पानी उतना ही मिलाएंगे जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रेवी बहुत ज़्यादा बनती है वैसे बेसिकली। बट जो लोग कम पसंद करते हैं ग्रेवी, वो कम भी रख सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी रखते हैं। बट इसे हमें पाव के साथ लेना है तो ग्रेवी तो चलेगी। तो 2 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है, तो ये देखिए ग्रेवी इसकी बस पकने ही वाली है। तो पकने वाली है ग्रेवी। अब इसमें मैं थोड़ा सा मैजिक मसाला डाल दूँगी, लगभग 1 टीस्पून। इसमें जितने मिर्च मसाले ज़्यादा होते हैं ना, उतना ही ये टेस्टी बनता है। बट आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पसंद करते हैं मिर्च मसाला। और ये देखिए, इस तरह से ग्रेवी बस हमारी तैयार ही है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करके कवर करके रख देंगे इसे एक साइड। नॉनस्टिक तवा गरम करना रख दिया है, इधर से मैंने पाव ले लिए हैं, पाव कट कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने पाव भी कट कर लिए हैं और तवा भी गरम हो चुका है। मैंने नॉनस्टिक लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। और इस पर मैं देसी घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है बटर के साथ भी ये। बट मैंने इसे देसी घी में ही सेका है पाव को। और इस तरह से घी डालते हुए चारों तरफ से घी लग जाना चाहिए, और इसे इस तरह से सेकते जाएंगे, सभी पाव इस तरह से ही सेक लेंगे हम।
जितने पाव चाहिए उतने ही सेकिएगा, सेक कर नहीं रखने हैं। हमने मिसल को भी कवर करके रखा हुआ था तो ये बहुत तेज़ गर्म है और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से मिसल को बहुत ही अच्छे ढंग से सर्व किया जाता है। मिसल के अंदर अनियन, टमाटोज और ये जो बेसन की जो गठिया वाली भुजिया होती है ना, ये डाली जाती है। इसमें बेसन की नमकीन डाली जाती है। इस तरह से मैंने ये सब डाल लिया है बट मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और डालूंगी, बट एट द टाइम ऑफ सर्विंग ये सब डालना है वरना ये नरम पड़ जाती है जो नमकीन डाली जाती है ना इसके ऊपर से। और ये मेरे पाव भी सिक कर तैयार हैं। तो ये हमारी मिसल पाव की प्लेट, गर्मा गर्म प्लेट तैयार है। और ऐसी तो मिसल पाव आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगी। और ये तो वैसे भी अपने मन पसंद के मसाले हैं और ग्रेवी डालना चाहें ऊपर से तो आप डाल के खा सकते हैं। तो बट कुछ लोग कम पसंद करते हैं तो आप ग्रेवी नहीं भी डालना चाहते तो बनाते टाइम ही ग्रेवी कम डालिएगा। और इसमें मैं नींबू स्क्वीज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा चाहे तो करें वरना कोई ऐसी इसमें मैंडेटरी नहीं है नींबू की, इसमें डालना ही डालना है। तो इस तरह से अब मेरा तो खाने का मन हो रहा है तो मैं तो इसे बस अब स्टार्ट करने लगी हूँ। तो इस तरह से पाव को इसमें डिप करके भी खा सकते हैं, इस तरह से भी वो आपका मन है घर में बना रहे हैं तो बहुत ही टेस्टी है गाइस, बहुत ही यमी है ये। तो इस तरह से अपनी पसंद की घर पर ही आप कितनी ही प्लेट्स मिसल पाव की तैयार कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो। इससे आपका मेरे लिए जो प्यार है वो पता लगता है गाइस। विद बेल बटन, बेल को ऑल करके प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।